एक लड़का जिसके सर पर से बाप का साया उड़ गया और बचपन के अंदर वो लड़का यतीम हो गया। मां ने ठान ली के बेटे को आलिम बनाऊंगी। बोलो सुभान अल्लाह। बेवा औरत मगर ठान लेती है कि बेटे को आलिम बनाऊंगी। उसने आलिम के एक आलिम के हवाले कर दिया कि मेरे बेटे को आलिम बनाना है। जब वो मोहम्मद अहमद पढ़ते पढ़ते आलिम दीन मुकम्मल बन गए तो मुकम्मल आलिम दीन जब बन जाता है कोई बच्चा तो उसकी शान का आलम क्या होता है कि आजकल के जमाने में सनद दी जाती है, दस्तारे फजीलत जिसको कहते हैं, सर पे अमामा बांधा जाता है। आज ये सब काम कौन करता है? दारुल उलूम वाले करते हैं। जलसा भी दारुल उलूम वाले करते हैं, साफा भी दारुल उलूम वाले देते हैं, सनद भी दारुल उलूम वाले देते हैं और ऊपर से मेहमानों की तरफ से हदिया भी मिलता है। मगर वो दौर ऐसा कि जब उस आलिम बनने के बाद उस्ताद ने कहा कि कुछ आलिम तेरी दस्तार में आएंगे तो उनके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा और जो सर पर साफा बांधा जाएगा वो साफा भी तुमको ही लाना पड़ेगा। तो वो मोहम्मद अहमद घर आए और मां से कहा कि अम्मा जान, उस्ताद ने सनद के टाइम पर साफा और कुछ औलमा की दावत का मुझे हुक्म दिया है। तो मां ने कहा कि बेटा 15-20 दिन की मोहलत ले ले, मैं दिन को सूद काटूंगी, चरखा चलाऊंगी और जो पैसे आएंगे वो जमा करूंगी और उससे मैं आलिमों की दावत करूंगी और रात को मैं तेरे लिए साफा बूंदूंगी। उस दौर के अंदर दोरे से कपड़ा बुना जाता था और सोए और धागे से वो कपड़ा तैयार किया जाता था। तो वो मां सारी सारी रात साफा तैयार करती थी और दिन में वो चरखा चलाती थी और पैसे 15-20 दिन जब वक्त आ गया तो इतने पैसे जमा नहीं हुए कि जितने आलिमों को दावत दी गई थी उनके खाने का इंतजाम हो सके। साफा तो मां ने तैयार कर दिया लेकिन मोहम्मद अहमद से कहा कि तू उस्ताद से जाकर मेरा दुखड़ा सुना दे कि मेरे इतने पैसे जमा नहीं कर सकी कि इतने आलिमों की मैं दावत कर सकूं। तो उस्ताद ने कहा कि जितने भी हैं वो मेरे पास ला के जमा कर दे, उसमें मैं जोड़कर सारे आलिमों की दावत मैं करूंगा। उस्ताद ने वो पैसे ले लिए, उसमें से पैसे ज्यादा जोड़कर सारे औलमा जो आने वाले थे सर पर साफा बांधने के लिए सैयद मोहम्मद अहमद के सर पर, तो साफा बांधने के लिए हम सब की दावत का इंतजाम हुआ। और फिर जब दावत के बाद रात को जलसा हुआ और जलसे के अंदर सैयद मोहम्मद अहमद के सर पर जब साफा बांधा गया और चौदहवीं के चांद की तरह उनका चेहरा चमकने लगा तो उस मजलिस के अंदर एक अल्लाह के वली बैठे थे, वो तकरीर के दौरान खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे कि ऐ लोगों, आज जिस बच्चे सैयद मोहम्मद को तुम देख रहे हो मैं विलायत की नजरों से देखता हूं कि जब तक चांद सूरज रहेगा इस बच्चे का नाम रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेगा इस बच्चे का नाम रहेगा। दुनिया वालों ने देखा कि वक्त गुजरता गया और उस दिन से लेकर आज दिन तक ऐसा नाम उसका रोशन है कि आज दुनिया उसको महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के नाम से याद करती है। उस बच्चे को आज ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के नाम से याद करती है। आप क्या समझते, लोग कहते मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, फना कर दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि आज देख लें कायनात के अंदर कि जब तक निजामुद्दीन जमीन पर थे तब भी उनका डंका बजता था और आज भी उनका बाजार मर जाए खलाई बना हुआ है। जब तुर्बत को मिटाना नामुमकिन है तो मुसलमान की शान का आलम क्या होगा? मुसलमान ऐसा नहीं, अगर आप निजामुद्दीन औलिया के गुलाम बन जाओ अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम नासिल होगा। आप रमजान शरीफ के अंदर अपने पीर और मुर्शिद के दरबार में चले जाए, कितने लोगों के लिए रोज
गुप्त तौर पर अगर सैफुल इस्लाम की जिंदगी को टटोला जाए तो कितने घर आपकी अता से चलते, कितने घर और न जाने कितनी मस्जिदें आपने अकेले तामीर करवाई। ये आप देखें, मस्जिद के ताल्लुक से बात आई तो एक जहन में मेरे बात आ गई, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास जब कोई तावीज वाला आता था तो आप क्या कहते थे, परेशान और मोहताज और दुखड़े सुनाने वाला आता था तो आपके पास तावीज मांगता था, दुआ के लिए कहता था, आप कहते थे कि मस्जिद के अंदर जाकर झाड़ू लगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहते थे, मस्जिद के अंदर जाकर झाड़ू लगा, खुदा के घर को तू साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ करेगा, अल्लाह ताला तेरे दिल को साफ करेगा। ये वक्त के जलीलुल कद्र अल्लाह के वली बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का अमल रहा। और जब आपके विसाल के बाद तो आलम यह हुआ कि आपके विसाल के बाद आपकी मस्जिद में झाड़ू देने के लिए चिट्ठियां उछाली जाती, झाड़ू देने के लिए चिट्ठियां उछाली जाती थी। और उन चिट्ठियों में नाम कौन लिखवाता था कि मेरा भी नाम लिखो, मेरा भी नाम लिखो, ये कौन नाम लिखवाता था? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहते थे मेरा भी नाम लिखो। और साबिर मियां दलिया ही कहते थे मेरा भी नाम लिखो। ऐसे जलीलुल कद्र अल्लाह के वली कहते थे कि फरीद की मस्जिद में झाड़ू लगाने में हमारा नाम लिखो। इसलिए हम कितने पीछे हैं जिसका अंदाजा हम अपने गिरेबान में झांक कर लगा सकते हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक उसके हबीबे पाक साहबे लौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके और तोहफे हमें बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये मैंने इसलिए कहा कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ये भी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मुरीद हैं और साबिर मियां कलिया ये भी मुरीद हैं। तो और जमालुद्दीन औलिया ये बाबा फरीदुद्दीन के इतने करीब के और इतने महबूब तरीन मुरीद हैं कि जब आपने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता, आपने कहा कि तू मेरे साथ रहने के लिए आ जा, तो जमालुद्दीन ने कहा कि मैं कैसे आ सकता हूं, मेरी मां बहुत तबाहिज है, मजबूर है, लाचार है, मगर फिर भी अगर आप कहते हैं तो चला हूं आपकी खिदमत में। तो फिर फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया कि नहीं, हुजूर ने भी अवेश करनी को नहीं कहा कि मां को छोड़कर मेरे पास आ जा, तो फिर मैं कौन होता हूं? मगर ऐसा तो हो सकता है कि तू यहां नहीं आ सकता मगर मैं तो तेरे पास आ सकता हूं। तो आपने अपना गांव छोड़कर अपने मुरीद के गांव को पसंद करना और वहां रहने के लिए चले गए। ऐसे जमालुद्दीन इस पाए के बलिए काबिल थे। ये तीनों हजरत साबिर कलियरी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और जमालुद्दीन औलिया ये तीनों कहते थे कि मस्जिद के अंदर चिट्ठी के अंदर काश आए।